आज हम लोग अपने घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर प्रयागराज जिले के भोपतपुर गांव में आए हैं, जो कि यमुना नदी के किनारे पर बसा है। आप इधर देख सकते हैं, ये जो आपको किनारा दिखाई दे रहा है पूरा पूरा यमुना नदी का किनारा है। और यहाँ पर एक सांप देखा गया है, और ऐसा सांप देखा गया जिसके लिए हमें अपने घर से इतनी दूर आना पड़ा। जो सांप यहाँ पर देखा गया वो पूरे एशिया का सबसे खतरनाक और जहरीला सांप है, लेकिन यहाँ के लोग उसे नॉन वेनमस समझ करके खुद के हाथों से उठा करके हैंडल कर रहे थे। ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए बिना वक्त गवाए हम लोग अपने घर से 200 किलोमीटर ट्रेवल करके यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सांप को सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद बाकी की जानकारी आप सभी लोगों के साथ पूरे गांव वालों को देते हैं। किधर है? अच्छा, इसको ये पहले कहाँ पे था? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो बगल खेत है ना, वहाँ बकरी उकरी बनती है। अच्छा। वहाँ एक महिला गई थी जी, उसको मतलब बाल तोड़ने गई थी, वहाँ देखा दो नर या मादा होगा दोनों। अच्छा, ऐसे दो थे? ऐसे दो है, एक वहाँ है, एक ही अजगर की वजह से सोच के इनको पूछ पकड़ के यहाँ ले आए। फिर जो है अरे इनके भाई है, तो हमने बताया ये रसल वाइपर है, ये जहरीला सांप है, तो बात नहीं मान रहे थे। हमने कहा हम गुड्डू सर मौर्य को बुलाएंगे, वो सबके बताएंगे। पहले बार मौर्य वाले हंसले जी के बुलाए, उनको मतलब नंबर नहीं लगा, तब आपका नंबर देखा तो आपने पास कॉल किया, फिर आप रिसीव कर लिए, तो उसको बताया। फिर एक वहीं पे है, एक झाड़ी है, बकरी वाला है, वहाँ पे भी एक है, वहाँ पे एक अभी वहाँ पे जी सर, यहाँ आते जाते रहते हैं ना सब लोग। आप डाउन दिन भर में तो यहाँ मतलब हमें हमारे कहने का मतलब है कि ये भी वहीं पे था, ये भी वहीं भी था। अच्छा, वहीं पे था। एक वहाँ से पकड़ के यहाँ लाए, एक वहाँ है, एक वहाँ पे है। ये लोग अजगर समझ के इसको उठा के लेके चले आए हाथ से ही। आपको पता है बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है अगर ये काट लेता, अगर ये काट लेता तो जान बचाना मुश्किल हो जाता और शरीर गलने लगता तुरंत से एकदम। मैंने सब कुछ बताया सर। हाँ। बच्चे आप आ जाए, हम वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी होगा। आज से आप लोग जान लीजिए, रसल वाइपर है। रसल वाइपर इंग्लिश शब्द है, हिंदी में इसको दबैया कहते हैं, दबैया। और इसका साइंस नेम दबैया रसली, ठीक है। तो इसमें जो है हीमोटॉक्सिक वेनम होता है, हीमोटॉक्सिक वेनम, जो कि हमारे शरीर को अगर एक बाइट कर लेगा तो जो हमारे शरीर में ब्लड होता है उसको जमा देता है एकदम, और मांस गलने लगता है तुरंत से। और ये कभी काटता है तो आपको रस्सी नहीं बांधना है, कभी बाइट करेगा तो रस्सी नहीं बांधना है, इसको फ्री छोड़ना है। नहीं तो अगर आपने रस्सी बांध दिया ना तो फिर एक गलने लगेगा। आज से आप लोग ये जान लीजिए, इस सांप को पहचान लीजिए, अजगर इसको मत समझिए। जरा दिखाइए लोगों को, ठीक है। पहले इसको रेस्क्यू कर लेते हैं, उसको भी रेस्क्यू करते हैं, फिर दोनों के साथ में लोगों को अवेयर भी करेंगे, जागरूक भी करेंगे। पहले इसको पैक करते हैं, चलिए इसको पहले रेस्क्यू कर लेते हैं। संभाल के देखिए, इसका निशान देख लीजिए, पैटर्न देख लीजिए। ये रुद्राक्ष की माला होता है ना, रुद्राक्ष का माला देखिए, उसके चेन जैसा बना हुआ है, देख रहे हैं गोल गोल। वो दूसरा वाला सांप दूर है कि पास में ही है? मतलब झाड़ी में घुसा है, वो कहीं जा नहीं पाएगा, जिससे ये है वो नहीं जा पाएगा। वो झाड़ी है वहाँ, लोग बकरी उकरी बांधते हैं, वहाँ खेत भी है, मतलब घर के पास, वहाँ सब आते जाते रहते हैं। ये भी रास्ता है कम से कम, तो मतलब यहाँ दिन भर में 2-3 से आदमी आप डाउन करते रहते हैं, किनारे है, लैट्रिन जाते हैं, सब कुछ यहाँ से आप डाउन संभाल के। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची, और इसी कारण से हमें अपने घर से इतना दूर 200 किलोमीटर ड्राइव करके आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पूरे गांव वाले इसे इंडियन रॉक पाइथन यानी कि अजगर सांप समझ रहे थे, और लोगों के बताने के बाद भी नहीं मान रहे थे। कुछ एकाद लोग जान रहे थे, वो इनको बता रहे थे कि अजगर नहीं है बल्कि एक बहुत ही खतरनाक और जहरीला सांप है, तो लोग इनकी बातों का यकीन नहीं कर रहे थे, इसलिए लोगों को समझाने के लिए हमें आना पड़ा यहाँ पर। ये छोड़ा में हम लोग भी आए थे, ये छोड़ा में लोग आपने छोड़ा, अरे बताओ ना, वो पकड़ना चाहिए। पहले एक को रेस्क्यू करते हैं,
आपने बता रहे हैं कि आपने दो सांपों को और ऐसे सांपों को छोड़ा था, तो अभी अमित साहब को पैक करते हैं, दूसरे वाले को भी रेस्क्यू करते हैं, फिर लोगों को इनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। चलिए, आपने ही छोड़ा? अरे हम इसका तरीका जानते हैं। अच्छा, तरीका जानते हैं क्या? मोबाइल में देख देख के जानते हैं। नहीं, पहले तो आप इतना देखते तो आपको पता ही नहीं कौन सा सांप है। आप लोग इसको अजगर समझ के लाइक कैसे हैंडल कर रहे हैं बताइए, बड़ी दुर्घटना हो जाती है। अजगर तो बिना जहर का होता है, काटता आप रिलैक्स रहते हैं, और ये है कि सबसे खतरनाक और बहुत जहरीला है, मतलब ये काटेगा तो तुरंत आपके उस स्थान पे मांस गलना शुरू हो जाएगा, गैंगरिंग स्टार्ट हो जाएगा। अरे बच्चों, देखिए इसका आवाज सुनिए आप लोग, जब आपने पकड़ा तो ऐसे ही फूक रहा था, तो अजगर कैसे फूकता था आप जानते हैं? चलिए, आवाज नहीं करा तो उसके लिए भी परेशान नहीं करते हैं। ये कुकर की सीटी की तरह खूब तेज तेज आवाज निकालता है जब भी इसे खतरा महसूस होता है, और अजगर उस तरह से आवाज नहीं निकालते हैं। अजगर में और इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ये इससे बड़े नहीं होते और अजगर बहुत बड़े बड़े होते हैं। थोड़ा शांति बनाएंगे तो आवाज सुनाई देगा आप लोग को, आवाज कर रहा है। कोई नहीं, पहले हम लोग इस सांप को सुरक्षित ढंग से पैक करते हैं, उसके बाद एक और सांप यहाँ पर बताया जा रहा है जिसका हमें फोटो आया था, तो हम लोग उसको भी रेस्क्यू करके बैग में पैक करेंगे, साथ में दोनों सांपों को रिलीज भी करेंगे। हम लोग इस सांप के साथ अजगर का भी फोटो स्क्रीन पर लगा देंगे ताकि आप लोगों को दोनों सांपों में अंतर करने में आसानी हो। और आप देख सकते हैं पहला सांप तो बड़े ही आसानी से खुद ब खुद बैग के अंदर जा रहा है। आगे से आप लोग ध्यान में रख लीजिए, कभी भी ये सांप अगर दिखता है कभी भी आप लोगों को इस सांप के पास नहीं जाना है, ये ध्यान में रख लीजिए। भाई साहब, आपको भी ये समझा रहा हूँ, दुर्घटना ना घटे मैं आपके लिए बता रहा हूँ। हम लोगों को इसके लिए जो बच्चा वो भी क्या कहाँ गए जो हमें कॉल किए थे, इन भाई साहब की देन है कि हम लोग इस यहाँ पे आए हैं, ये जान लीजिए। आप लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि ये बच्चा बोला कि नहीं सर ये लोग मान नहीं रहे हैं, टच करके आप आ जाइए। हमारा घर पता है ऐसे कितनी दूर है, यहाँ से 200 किलोमीटर आजमगढ़ जिले में, क्योंकि हम लोग रोज आपके यहाँ नहीं आ पाएंगे तो हम लोग आपको मना कर देते कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन लोगों के अवेयरनेस के लिए हम लोग अपने घर से 200 किलोमीटर दूर यहाँ पर आए ताकि आप लोग सच्चाई जाने क्या हकीकत है, क्योंकि ऐसे बहुत बार दुर्घटना हो जाता है। आप लोग जान लीजिए कि ये सांप ना बेहद शर्मीले प्रवृत्ति का होता है, मतलब ये जल्दी किसी को काटता उड़ता नहीं है, थोड़ा मोड़ा छेड़छाड़ करेंगे आपको काटने का ट्राई नहीं करेगा, लेकिन जब अगर ये काटेगा तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और जान बहुत मुश्किल से बचेगी, साथ में जहाँ पर काटेगा वहाँ का मांस गल जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, मतलब बहुत दिक्कतें होती है। काटने के बाद समझिए कितने दिन लगता है इसको, मतलब इसका जो घाव ठीक होने में कम से कम 4-6 महीने तक लगते हैं, इसका जो घाव बनता है ना काटने के बाद इतना समय लगता है, उसको रिकवर करने में पूरी तरह से आपका 5-6 महीने लग जाता है, दर्द होता रहता है 5-6 महीने बाद तक, आपकी जान तो बच जाएगी लेकिन इसका असर 5-6 महीने तक रहता है, इतना खतरनाक सांप है। ये रसल्स वाइपर है और वो अजगर होता है, इंडियन रॉक पाइथन, वो अलग होता है। वीडियो में देखेंगे हम लोग, अजगर का भी स्क्रीन पे दिखा देंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देखेंगे तो अजगर का रेस्क्यू मिल जाएगा, कल परसों का गुड्डू मोहरा सर मित्र पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और बता रहे हमारा चैनल भी देखते हैं, क्या हुआ? अरे एक हमारा दोस्त है करीबा सांप पकड़ के पकड़ लिया किनारे से, वो फेंकने में बहादुरी नहीं है बचाने में, आप जो आपके सामने खड़े हैं हजारों सांप पकड़ के बचा के बैठे हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत सांपों को बचाते हैं, हम लोग का यही काम ही है। चलिए भैया दूसरे वाले जगह चलिए, बढ़ा के जल्दी चले सके, हमारा बात कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता, जब किसी भी कोई भी ऐसे कपड़ा रहता है उसको जहरीला है बताते ही, जहरीला ने ऐसे कोई भी अगर जहरीला सांप निकाल लेता तो झाड़ फूक के चक्कर पड़ते हैं। अभी भी झारखंड में कहता हूँ कि दवा यहाँ कोई बना नहीं है, बिना एंटीवेनम का इंजेक्शन जो है ना वही अवेलेबल है और कहीं नहीं है, झारखंड के चक्कर पड़ोगे तो जान चला जाएगा, मैं बताता हूँ सबको, मगर कोई बात नहीं, झारखंड के चक्कर पड़ते हैं, अभी खपड़ा और जो बछा रहे मार देते हैं, हम कहते हैं ना मारो, इस सब हम लोग का पर्यावरण है, अगर ये पर्यावरण अगर हम लोग पर्यावरण खत्म कर देंगे तो हम लोग अनाज कहाँ से उगा पाएंगे, सब कुछ कहाँ कर पाएंगे, जागरूकता करते हैं अगर कोई। दूसरा किधर है? है
ऐसी जगहों पे वो रहते भी हैं, गन्ने के खेत में, ऐसे खेतों में वो रहना पसंद करते हैं नदी के किनारे पर। अच्छा, जब ये फुकार मारा ना सीटी की आवाज में, तो मैंने जब देखा इसका आकार ना, मैंने कहा कि ये रसल वाइपर है, ये सब जहरीला सर है, कभी बात नहीं मान रहे थे। किधर है ये दूसरा वाला? अरे यार, तो तुम मिलेगा नहीं, वहाँ बनवा दिया या इसमें है, इसी में वो सर्प है, हमको लग रहा है इसी में आया है, इसी में वो तो पकड़ लिया है। कम चांस है कि मिलेगा, चांस सर अगर नहीं गया होगा तो यही तो होगा, अगर चला गया होगा तो सब लोग तो चलिए ढूंढिए, आप लोग बताइए दिखता तो हम लोग करते हैं ना, ये ऐसे कैसे ढूंढेंगे, हम लोग कैसे देखेंगे, आइए साथ में रहिए हमारे, देखिए कोई दिख रहा है संभाल के, ऐसे तो कब मिलने से रहा, ऐसे तो ढूंढ नहीं पाएंगे, यही था सर। इनके मैटिंग उटिंग तो टाइम नहीं चला ना अंकल जी? अच्छा, मैटिंग का टाइम शुरू हो गया भाई जी, से काट लेते दवाई रखते होगा। नहीं भाई, हम लोग भी हॉस्पिटल ही जाएंगे, अगर हमें काट लेता तो भी हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे। अरे भाई, हम लोग रात देखते हैं साहब, और वो रोड घोंटा ऐसा ही था, नहीं दूसरा घोंटा, इसके पैर होते हैं, घोंटा के पैर कहाँ थे भाई, गो होता है वो, सांप नहीं होता है, क्या बोले थे, घोंटा बोले थे, इसके पैर होते हैं, हाँ वो एक पैर होते हैं, और वो सांप नहीं होता, सरीसृप वो होता है, सरीसृप ये भी होता है, वो भी होता है, लेकिन वो सांप नहीं होता है। हाँ दिखाइए, इधर दिखाई वीडियो, इधर दिखाई, तो भैया जो बनाए ऑलराइट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने वीडियो भी बनाया हुआ है, और ये लोग इसे इंडियन रॉक पाइथन यानी कि अजगर समझ करके खुद ही रेस्क्यू कर रहे थे, मतलब अपने यहाँ से दूर ले जा रहे थे। ये तो काफी अच्छी बात है कि यहाँ के लोग मारने के बजाय सांपों को बचाना ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन सही जानकारी भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, इसी खेत का तो दिखाई दे रहा है वीडियो। चलिए बाहर चलते हैं, पहले संभाल के नीचे देख के चलिएगा, कहीं होगा, अगर दब जाएगा तो तुरंत काट लेगा, जमीन पे देख के चलिएगा आप लोग, इसमें आया था, अब इसमें कहाँ मिलेगा कुछ, अब मेरा तो हो गया है, इन्हीं लोगों के साथ में चल के उसको रिलीज करवाते हैं, फिर उसके बाद जो है हम अपने घर के लिए रवाना होते हैं, क्योंकि 200 किलोमीटर हमें जाना है, रात हो जाएगी घर पहुंचने, रात हो जाएगी पहुंचते। ऑल राइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग रिलीज करने के लिए आ चुके हैं, और हमारे साथ पूरे गांव वाले लोग भी आए हैं। वैसे हम लोग उस लोकेशन से काफी दूर आ चुके हैं, ये नदी का किनारा है, जंगल वाला एरिया है, और सांप ऐसी जगहों पर रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं ये वाले सांप, तो ज्यादा वक्त न गवाते हम लोग इसे इसके अनुकूलित वातावरण में जाने देंगे। क्योंकि ये जगह थोड़ी नहीं है, इसलिए ये आसपास के वातावरण को समझने की ट्राई कर रहा है, और आप देख सकते हैं जो सांप है अभी वो फिलहाल अंदर की तरफ जा रहा है जंगल में, मतलब इधर पूरा नदी का किनारा है, इधर इंसानों का आना जाना बहुत ही कम होता है, जिससे कि सांप भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और यहाँ के लोग भी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। इस जगह पर सिर्फ एक जीव या एक लोग की बात नहीं थी, यहाँ पर पूरे गांव की बात थी, क्योंकि पूरे गांव के लोग इस सांप को इंडियन रॉक पाइथन यानी कि अजगर सांप समझ रहे थे, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था, किसी दिन इसी चक्कर में किसी की जान जा सकती थी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ के लोग इस सांप को अजगर समझ करके अपने हाथों में उठा ले रहे थे, किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो जाती, सांप किसी को काट लेता और किसी की जान भी चली जाती, इसलिए हम लोग अपने घर से इतना दूर आए लोगों को अवेयर करने के लिए। तो हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, इसे ज़्यादा शेयर करो, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।